stage to extend a floral welcome. All these proceedings, which would continue for 2 days, hearty congratulations to the Department of Orthopedics, Dr. Saraf and his team. My dear students, the education is not going to be the same what we all have learned over a period of time. There will be a vast change over a period of time. Intently listening to Dr. Gautam, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के अर्थ विभाग की ओर से 2 दिनी UPOA PGICL वर्कशॉप में अर्थों की बारीकियां समझाई गईं। वर्कशॉप के पहले दिन यूपी के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञों ने अपने विपुल भंडार से अपने अनुभवों को साझा किया। वर्कशॉप का शुभारंभ TMU के BC प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि ऑडिटोरियम में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर UPOA के प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष कुमार, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर VK गौतम, मुरादाबाद के आर्थो क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक रस्तोगी, डॉक्टर SK जैन, डॉक्टर अमित सराफ, डॉक्टर मनमोहन शर्मा, डॉक्टर संदीप बिश्नोई आदि की गरिमाएं मौजूदगी रही। जबकि रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, एसोसिएट DN प्रोफेसर मंजुला की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इससे पूर्व मेहमानों को बुके देकर वेलकम किया गया। वर्कशॉप का संचालन डॉक्टर शिवम मदन ने किया। उद्घाटन संबोधन में BC प्रोफेसर सिंह ने गुरु शिष्य का रिश्ता लोहार लोहे की मानिंद बताते हुए कहा, रेजिडेंट जाने माने आर्थोपेडिक्स के अनुभवों से अपने को तराशें, इस अनुभवों से ही वे असल जिंदगी में मरीजों के चेहरे पर मुस्कान ला पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमित सराफ है, मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में। आज 1 अक्टूबर को हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो ऑर्थोपेडिक्स विभाग में जो लड़के PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें कि उनको ऑर्थोपेडिक्स का एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर होना होता है, किस तरह से एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, किस तरह से उसका खाका तैयार करना है और किस तरह से मरीज देखने हैं, ये उनको सिखाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। तो इसमें हमारे पास करीब पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश के करीब 50 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई हैं। 50 से ज़्यादा हमारे पास लड़के आए हैं सीखने के लिए और हमारे पास उत्तर प्रदेश और दिल्ली के करीब 20 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर प्रोफेसर आए हैं उनको सिखाने के लिए। आज उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्ट्रक्शनल कोर्स लेक्चर सीरीज़ यहाँ पर आयोजित किया गया है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर अमित सर्राफ उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। मैं प्रोफेसर आशीष कुमार, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का और यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पे पूरे प्रदेश के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ऑर्थोपेडिक्स के, जो MS ऑर्थोपेडिक्स कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं प्रदेश भर से। और प्रदेश भर से उनको जो टीचर्स हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, उन सबको जो है वो हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है, जो आकर के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, और उसके साथ साथ में जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं और उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। वैसे तो सब स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उन टीचर से पढ़ने के अलावा जो और जगह के टीचर्स हैं जो वो पढ़ाते हैं, तो उसमें लोगों को जो वो फ़ायदा होता है, वही टीचर्स कल को उनके एग्जामिनर्स बन के आ रहे होते हैं, तो जो उनके कॉलेज में नहीं सुनने को मिलता है शायद उनको अलग से सुनने को मिलता है। और इसका पूरा फोकस होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम में जिस तरह के केसेज आते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं।